हेलो स्टूडेंट्स टूडेज आवर टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके टेक फर्स्ट वन नंबर वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सी इच मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉयज इक्वल वोटिंग राइट्स अभी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है उनको सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है ओके द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज वन मेंबर वन वोट वन मेंबर वन वोट दिस इज द प्रिंसिपल ओके द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लार्ज अभी यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैसे बहुत सारे दे आर स्कैटर ओवर द रीजन ओके दस शेयर होल्डर्स इलेक्ट देर रिप्रेजेंटेटिव इसलिए क्या है जो भी शेयर होल्डर्स है क्या okay? करते देक्ट देअर रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉट यू कॉल वी कल देर आगे डी आए दे आर कॉल्ड एज मैनेजिंग कमेटी मेम्बर्स ओके दे लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी अभी जो भी मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स है क्या करते हैं जो रोज का काम है डे टू डे जो भी वर्क है ठीक है वो क्या करते हैं मैनेजिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स है वो काम कर लेते ठीक है सी नंबर टू ओपन मेंबरशिप द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ओपन टू ऑल ठीक है अभी ये मेंबरशिप है एक कैसे वॉल्टरी है एंड दिस इज फॉर ऑल दैट इज एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट क्रीड रिलीजन एट्सेट्रा कैन परचेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बिकम अ मेंबर ऑफ इट स कोई भी पर्सन हो ओके okay? कौन से भी कास्ट का हो कौन से भी रिलीजन का हो वो क्या कर सकते हैं ही कैन परचेस द शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर परचेस कर लिया तो क्या हो जाएगा ही विल बिकम अ मेंबर ओके देर इज नो कंपलशन टू ज्वाइन और टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन अभी यहाँ पे कोई कंपलशन नहीं है कि ज्वाइन करो या छोड़ दो डिपेंड ऑन यू ओके नेक्स्ट नंबर थ्री लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी Uh, जो भी काम चलता है जो भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कैसा है यहाँ पे लो है कम लगता है नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं कोई एजेंट नहीं है देर आर नो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा नहीं है मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज अभी जो भी मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स है उनको सैलरी वगैरह तो नहीं होती है दे बेस ऑन ऑनररी बे सर्विसेज ठीक है ऑनररी बेसिस पे रहता है उनका वेरियस कंसेशन्स रिले एंड प्री विजेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फीस स्टैंप ड्यूटी इनकम टैक्स एट्सेट्रा आर गिवन बाई गवर्नमेंट अभी इसके साथ गवर्नमेंट भी उनको क्या देती है बहुत सारा कंसेशन देती है ठीक है रिलेटेड टैक्स वगैरह स्टैम्प ड्यूटी जो भी होगा रजिस्ट्रेशन ठीक है उनको बहुत सारा उनको यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है डिस्काउंट मिल जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट नेक्स्ट नंबर फोर लिमिटेड लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अभी शेयर होल्डर

इन इनसफिशियंट टू पे द डेप्स ऑफ द थर्ड पार्टी इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बोला है कि मेम्बर्स की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज नहीं होगी ठीक है अगर सोसाइटी का जो भी एसेट है वो इनसफिशियंट होगी सपोज थर्ड पार्टी को कुछ पेमेंट देना हो तो क्या बात है कुछ लाइबिलिटी है पे करना है एट दाइम ओनली ठीक है इसलिए जो भी मेम्बर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगी यहाँ पर क्लियरली दिया है मेम्बर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज यर ओके सी नंबर टैक्स कंसेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अभी यहां पे क्या बोला है कॉपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर फॉरवर्ड इन द इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट गिव्स मैनी कंसेशन टू देम ठीक है गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन देते हैं जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा है दिया लाइक ऑफ ऑफ पेमेंट इनकम टैक्स अप टू अ सर्टन लिमिट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन दी है कि इतने इतना लिमिट तक आपको कुछ एग्जाम्शन uh, मिलेगा कुछ डिस्काउंट मिल सकता है दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी इससे क्या हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल, मिल रहा है एग्जाम्शन मिल रहा है जिससे आपका इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है सोसाइटी का नेक्स्ट लास्ट वन नंबर सिक्स सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी ओके सी एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक है अभी जो भी लेटेस्ट एक्ट अमेंडमेंट हुआ है ठीक है उसमें क्या क्या एडिशन किए हैं सी सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट डिविडन टू इट्स मेम्बर्स ओके एज पर दैट एक्ट है सोसाइटी कैन पे मैक्मम सोसाइटी क्या कर सकते पे कर सकती है मैक्मम फिफ्टीन परसेंट डिविडन फिफ्टीन परसेंट हो पंद्रह परसेंट टू इट्स मेम्बर्स उसे ज्यादा दे सकते हैं क्या नहीं देयर फॉर रिमेनिंग सरप्लस इज यूज एज सेल्फ फाइनेंसिंग रिमेनिंग टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग मनी है रिमेनिंग सरप्लस इज यूज एज सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज फॉर चैरिटी पर्पज सोशल एक्टिविटीज़ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कुछ अमाउंट क्या कहाँ पर यूज होती है जस्ट फॉर चैरिटी पर्पज और यू कैन से सोशल एक्टिविटीज और यू कैन से द ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पर ये रिमेनिंग uh, अमाउंट यूज होगी ओके सी डीमेरिट्स नंबर वन लिमिटेड कैपिटल The face value of the shares of cooperative society is very less. The shareholders belong to the weaker sections of the society. Jo bhi shareholder, hai. Hai? they belong from the weaker section of the society. Therefore, they cannot purchase more shares of the society. so shares. So capital is limited. Due to low rate of dividend, people are not interested to invest in shares of cooperative society. अभी यहाँ पे क्या बोला ड्यू टू लो रेट ऑफ डिविडन लो रेट ऑफ डिविडन इसके वजह से क्या है कि वो सारे लोग क्या करेंगे उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा ठीक है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद हमें आगे प्रॉफिट मिल सकता है ओके नेक्स्ट नंबर मैनेजमेंट द मैनेजमेंट इज देंड्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी हमने पहले देखा कि ये जो भी मैनेजमेंट होगा किसके हाथ में होगा मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के हाथ में दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स उसमें से कुछ uh, मेंबर्स uh, रहते हैं शेयर होल्डर्स में से दे मे नॉट प्रजेज मैनेजरियल स्किल अभी उनको मैनेजर स्किल होती है नहीं होती डिपेंड मे बी और मे नॉट या बोल सकते हैं ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अदरवाइज फाइनेंशियल कैपेसिटी दे आर नॉट कैपेबल अदरवाइज एबल टू अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स अभी उनके पास इतना अमाउंट भी नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर कर सके ओके द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल सो अभी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स प्रोफेशनल नहीं है दैट्स यू कैन से इज इज मैनेजमेंट ओके नेक्स्ट नंबर पॉलिटिकल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बहुत सारा होता है ज्यादा से ज्यादा होता है सो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज द रीजन क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर लीड बाय पॉलिटिकल लीडर्स ठीक है मोस्ट ऑफ ऑल हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सोसाइटीज है तो लीड बाय द पोलिटिकल लीडर्स ठीक है सो देर इज अक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस दैट इज द रीजन ओके से नेक्स्ट नंबर फोर लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन देर इज लिमिटेड कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी यहाँ पे कैपिटल कैसे है लिमिटेड है दे कैनॉट टेक रिस्की प्रोजेक्ट्स ड्यू टू इन इफिशियंट मैनेजमेंट अभी कैपिटल यहाँ पे कम है ठीक है और आगे ये भी दिया है दे कैन नॉट टेक रिस्की प्रोजेक्ट्स यो रिस्की प्रोजेक्ट लेख सकते हैं क्या नहीं बिकॉज ऑफ जस्ट दे ड्यू टू इनफिशेंट मैनेजमेंट देयर फोर देर इज लेस गो फॉर एक्सपांशन इसीलिए यहाँ पे एक्सपांशन का चांस uh, कम है ओके लास्ट वॉन नंबर फिफ्थ लैक ऑफ मोटिवेशन मैनेजिंग कमेटी मेम्बर्स वर्क ऑन ऑनररी बेसिस मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है ओके कैसे काम करते हैं ऑन ऑनररी बेसिस देर फोर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड अभी ऑनरी बेसिस पे होते हैं सैलरी वगैरह नहीं मिलता प्रॉफिट नहीं मिलता ऑनररी बेसिस पे होते मेम्बर्स ठीक है इसलिए वो मोटिवेट होने वाले क्या हार्डवर्क करने के लिए नहीं इसलिए लास्ट सेंटेंस में बोला है देअर फॉर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड ओके थैंक यू